हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेनियम ट्यूटोरियल। हम लोग इस ट्यूटोरियल में प्रॉपर्टी फाइल्स को कैसे रीड करते हैं वो कवर करेंगे। मोस्टली ये सिलेनियम का पार्ट ना होके जावा का पार्ट है, बट किसी भी फ्रेमवर्क को बनाने के लिए, ऑटोमेशन के लिए प्रॉपर्टी फाइल रीड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम पहले की तरह एक क्लास फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम टेस्ट प्रॉपर्टी रख देते हैं। इसमें एक मेन मेथड, तो प्रॉपर्टी फाइल को रीड करने के लिए जावा में एक इनबिल्ट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसमें हम लोड करते हैं एक फाइल को, जो बेसिकली फाइल इनपुट स्ट्रीम का मेथड ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले एक फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें जो पैरामीटर पास होता है वो फाइल का ऑब्जेक्ट होता है। फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल को इंपोर्ट करेंगे और यहां पर अपनी फाइल का पाथ देंगे जो भी हम क्रिएट करेंगे। हमने फाइल को इंपोर्ट किया, फाइल इनपुट स्ट्रीम को इंपोर्ट किया, यहाँ पर हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट दे दिया। इन दोनों को हमने ट्राई कैच में डालना है, तो ऐड करेंगे ट्राई कैच में। जो हमारा फाइल इनपुट स्ट्रीम है वो फाइल नॉट फाउंड के एक्सेप्शन के लिए कहेगा, और जो हमारी प्रॉपर्टी लोड फाइल है वो हमारी आयो एक्सेप्शन के लिए। तो दोनों दो कैच लगेंगे यहाँ पे। इसे इंपोर्ट करेंगे। अब हमने यहां पर एक फाइल का पाथ देना है जो हम अभी क्रिएट करेंगे। टेस्ट डॉट प्रॉपर्टीज, इसमें हम कुछ की वैल्यू पेस्ट डालेंगे। लेट्स से एक ईमेल है, एक यूजर नेम है, एक पासवर्ड है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी फाइल सेव हो गई। इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे हम लोग डेटाबेस की वैल्यूज डालते हैं, या फिर कोई एपीआई के यूआरएल्स डालते हैं, या वेब वेब ऐप के यूआरएल्स डालते हैं। आप कुछ भी डाल सकते हैं, पर की और ये वैल्यू दोनों यहाँ पर हो गए ताकि हमें रीड करने में आसानी हो। तो अब मैं इसका पाथ देखूंगा टेस्ट डॉट प्रॉपर्टीज का, और उस पाथ को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसका एक और तरीका भी है। ये तो हमने एक्चुअल में हार्ड कोडेड पाथ पास किया है, लेकिन अगर आप कहीं और पे यूज कर रहे हैं, जैसे आपको ये फ्रेमवर्क बार बार मूव करना पड़ेगा कहीं पर, तो ये सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, ये कुछ एरर है, इसको इग्नोर करेंगे अभी के लिए। और गेट प्रॉपर्टी करके इसमें यूजर डॉट डी आई आर डालेंगे, तो ये करंट यूजर डायरेक्टरी को उठाएगा। मैं आपको इसको प्रिंट करा के भी दिखा देता हूं। अभी के लिए इसे कमेंट करते हैं। अब मैं इसे प्रिंट करूंगा। तो मेरे पास ये पूरा पाथ आया है, डी डब्ल्यू एस लर्न सिलेनियम टेस्ट डॉट प्रॉपर्टीज, जो मेरा यही पाथ है। तो अगर आप यहां पर ये चेंज कर देंगे और इस पे आप ये लगा दीजिए, या आप फाइल डॉट सेपरेटर यूज करेंगे तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज होता है। अब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपका पूरा का पूरा पाथ प्रिंट हो रहा है। अगर आपका पाथ कभी चेंज भी हो जाता है, मान लो आप ये प्रोजेक्ट कहीं और मूव कर देते हैं किसी और सिस्टम में या किसी और डायरेक्टरी में, तब भी ये अपने आप ही उस पाथ को उठा लेगा। जबकि पहले जो हम दे रहे थे इसमें ये पाथ, तो ये पाथ हार्ड कोडेड है। अगर कहीं पर डायरेक्टरी मूव हो गई तो आपको ये पाथ
चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम ये देंगे सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी यूजर डॉट डायरेक्टरी प्लस फाइल डॉट सेपरेटर। फाइल सेपरेटर हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कन्वीनियंट है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर मैं सिंपल यहां स्लैश दे दूं, यहां ऐसे स्लैश दे दूं फाइल सेपरेटर की जगह, तो ये यूनिक्स में स्लैश डिफरेंट होता है और डॉस या विंडोज में ये डिफरेंट होता है, तो इसलिए मैंने फाइल सेपरेटर यूज किया। इसके बाद मान लो कि मैं कुछ भी वैल्यू लेना चाहता हूं, जैसे प्रॉपर्टी डॉट गेट प्रॉपर्टी, तो मैं यहां पर की दूंगा इस मेथड को सेलेक्ट करेंगे, इसमें मेरी की क्या है, ईमेल है, ये मेरी वैल्यू है test@gmail.com और इसे एग्जीक्यूट करवाएंगे अब हम लोग, तो हमारी ईमेल प्रिंट हो गई। ऐसे ही मैं अगर यहां पर यूजर नेम प्रिंट कराऊंगा और यहां पर पासवर्ड प्रिंट कराऊंगा और फिर एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहां मेरा ईमेल, ये मेरा यूजर नेम, ये मेरा पासवर्ड, ये सब प्रिंट हो गया। तो हम बेसिकली प्रॉपर्टी फाइल से रीड इसलिए करते हैं ताकि कुछ भी हार्ड कोडेड ना रहे, आप कुछ भी कॉन्फिगरेबल बनाना चाहते हैं, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, और जब यहां पर वो डिफाइन हो जाता है तो उसको प्रॉपर्टी क्लास को यूज करके, जो जावा की एक इनबिल्ट क्लास है यूटिल में, उसको, यहाँ सोर्स कोड नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आपने एक फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको आप, ये फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट को आपने इनिशलाइज किया एक फाइल के ऑब्जेक्ट से, उस फाइल के ऑब्जेक्ट में जो पैरामीटर पास हुआ वो एक्चुअल में प्रॉपर्टी फाइल का पाथ था, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो ये प्रॉपर्टी फाइल का एक्चुअल पाथ यहाँ हमने किया और प्रॉपर्टी फाइल को लोड किया उस फाइल से, सो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट ने लोड किया उस फाइल को अपनी अंदर और सारी की सारी वैल्यूज यहाँ आ गई, और आपने जब भी कोई भी वैल्यू उठानी चाहिए तो आपने गेट किया और आपको वो वैल्यू मिल गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को उठाने के लिए, और मेक श्योर कि आप जब भी कोई टेस्ट केस लिखे तो आप ट्राई कैच में डालें, और या फिर कभी आप हेल्पर क्लास लिखे तब भी ट्राई कैच में डालें। थ्रो करना एक्सेप्शन को सही है, लेकिन हेल्पर क्लास में तो कभी भी थ्रो नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे बड़े सारे टेस्ट केसेस इंपैक्ट होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आगे हम देखेंगे कि कैसे हम वैलिडेशंस करते हैं। थैंक यू।